आज लोग खत्म नबूवत के मसले को बच्चों का खेल समझ रहे हैं। हुक्मरान इस पर तवज्जो ही कोई नहीं। जहां खत्म नबूवत का इनकार हो वहां इबादत खाना नहीं होता। इबादत खाना तो वो होता है जहां मा काना मुहम्मद नबाहद मिन रिजालकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातम अन्नबियीन की आयतें पढ़ी जाती। ये आप मेरे जज्बात न समझें, ये अंदर का हरारत है। लोग हमें कहते हैं नरम समझाओ खत्म नबूवत का मसला। मैंने कहा 80,000 का लश्कर लेके मुसलमा आया, इधर सहाबा सिद्दीक अकबर की क्यादत किसी एक सहाबी ने यह गल नहीं की थी। उन्हें कहा जनाब 80,000 बंदा है, उन्होंने जाके पहले तबलीग करो, पहले उन्होंने समझाओ नफ्से मसला क्या होता है, खातम का माना क्या होता है। ना ना ऐ उलमा बैठे, अगर मेरी गलती होवे तो बाद जी मैनू दसन, इतने होवे तो इतनी मैनू टोक देवन। नहीं जी नहीं, फलाने साहबी ने गल की थी। नहीं नहीं इतनी सख्ती ना करें आप। ना 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 ना, एक साहबी ने 1,26,000 नहीं तो कम अज कम उस वे 1,20,000 साहबत मौजूद सन, लेकिन किसी एक साहबी ने भी सिद्दीक अकबर नु गल नहीं की थी कि बाबा हाथ हौला रखो, ऐ बंदे वढ़ना भी कोई कम है। ना 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 ना, सैयदना सिद्दीक अकबर अपना बनाया हुआ कानून खुद तोड़िया। पहले फरमाया बदरी साहबी किसी जंग च नहीं जाने। जब तो हुजूर दी खत्म नबूवत का मसला पैदा होया तो सिद्दीक अकबर बनाया हुआ कानून खुद तोड़िया। फरमाया बदरी हो या गैर बदरी हो, हुजूर की इज्जत के लिए यमामा पहुंचे। आज लोग हमें ये इनका मसला था जो ऊपर वोट लेते हैं। आपने कभी बात की किसी से? आपको तो बिजली चाहिए, आंख बंद होने की देर पता लग जाएगा बिजली तेन। कबर की कोई नहीं चाहिए, दुनिया दे कुमकुमे चाहिए तेन। उस कबर जिते सदा रहना है बिजली कोई नहीं चाहिए। इतने MNA MPA जाके एक गल भी उसे हजूर की खत्म नबूवत नहीं करते, हजूर की इज्जत की गल कोई नहीं करता। तुम कभी क्या होते भी तो बिजली के रोड चाहिए, एक कभी नहीं तुम क्या यार जाओ तेन वोट देंगे, लेकिन जो हजूर की इज्जत की गल हो समझी तू गल जरूर करनी। उलमा बैठे ने को पुछो नबी अलैहि सलाम के 10 साल मदनी जिंदगी 259 साहबा शहीद होए। कितने 10 साल 259 साहबा शहीद होए, घट सठ 259 साहबा शहीद होए 10 साल। कल खत्म नबूवत का मसला कितना बड़ा है। जब मुसलमान कज़ाब नाल जंग हुई हुजूर दी खत्म नबूवत की खातिर 1200 साहबा शहीद हो गए उस जंग। गल समझ आई उन्होंने? हां जी 11 बदरी साहबी भी उन्होंने शहीद हो गए। उन्होंने 11 कुल बदर 14 साहबा शहीद होए, उन्होंने बदरी साहबा भी 11 साहबा उस जंग शहीद हो गए। इस उम्मत का सब तो वड्डा कारी जिन्हों का कुरान हजूर ने सुन के अल्लाह का शुक्र अदा किया हजरत सालिम, उन्हों का हजूर ने कुरान रात सुन के दुआ मंगी सी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जाअला फी उम्मती मिस्ला हाज़ा। या अल्लाह तेरा शुक्र है तू मेरी उम्मत जितना वड्डा कारी पैदा किया। जंगे यमामा में वो भी शहीद हो गए, हजरत अबू दुजाना जैसे शेर भी शहीद हो गए, 1200 साहबा शहीद हो गए। तू जानते हो कितना बड़ी जंग लड़ी साहबा? अल बिदाया वन आयत हाफिज ने लिखा कि साहबा कहने इतनी डाढ़ी जंग ना असी कदी पहले लड़ी ना कदी बाद च लड़ी। आज लोग खत्म नबूवत के मसले को नहीं जी मौलाना साहब बस ठीक है नफ्से मसला आप बयान कर दे, किसी को कुछ नहीं। पता है कितने बंदे मार देते साहबा ने? पता है कितने बंदे मार देते जंगे यमामा में? 36,000 मुनकरी ने खत्म नबूवत खत्म कर देते साहबा। कितने? 36,000। 36,000 मुनकरी ने खत्म नबूवत नु बढ़ के रख देता साहबा ने। आज मिर्ज़ाइयों की थोड़ी सी बात नहीं जी, वो हमारे शहरी हैं। मैं कहता हूं सिद्दीक अकबर ना ज्यादा समझ दे गल।